नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके में व्यापार में साझेदार बनाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर एक ही परिवार के 3 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी द्वारा शहर के अन्य लोगों से भी इसी तरह की धोखाधड़ी करने की जानकारी मिली है। इस आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर के झांसी रोड थाने में खेड़ापति कॉलोनी में रहने वाले फरियादी धर्मेंद्र कुशवाहा ने शिकायत की है कि हरिशंकरपुरम में गोपाल टावर से अपना ऑफिस संचालित करने वाले शोभित, सचिन और राजेंद्र भामरी द्वारा उनके साथ व्यापार में साझेदार बनाकर 34 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। उन्होंने यह रुपया अपने 2 अन्य व्यापारियों से लिए थे, लेकिन आरोपी अब ना तो रुपया वापस कर रहे हैं और ना ही उनका फोन उठा रहे हैं। मामले की शिकायत के बाद जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता लगा कि बसंत विहार, हरिशंकरपुरम और शहर के अन्य इलाके में रहने वाले व्यापारियों से भी आरोपियों ने इसी तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। झांसी रोड में एक व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें जो हरिशंकरपुरम और बसंत विहार के 3 आवेदक हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई है। लगभग 34 लाख का फ्रॉड किया गया है। आरोपी जो हरिशंकरपुरम का रहने वाला है, फिलहाल आरोपी फरार है और इसमें धोखाधड़ी की 4 IP सेक्शन 420 406 के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें उसने किसी से 12 लाख, किसी से 10 लाख और किसी से 8 लाख, इस तरह से उसके द्वारा धोखाधड़ी की है। अभी जिस तरीके से जो 3 आवेदकों के द्वारा ये बताया गया था कि इसमें और भी लोग हैं जिनके साथ वो पैसा लेकर वो फरार हो गया है, जो संभवतः चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया में आने के बाद और भी इसमें फरियादी बढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।